सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर में ऑटो शटडाउन का समय सेट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर को समय के अनुसार बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक टाइम सेट करें और उस टाइम के बाद आपका कंप्यूटर ऑटो शटडाउन हो जाए, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक आपको तब काम आती है जब आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं और उनका समय मिनटों या घंटों में होता है, और उस बीच अगर आपको कंप्यूटर में कोई काम नहीं होता है तो भी आपको वहाँ पे बैठकर कुछ देर इंतजार करना पड़ता है ताकि डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिक के इस्तेमाल से आप टाइम सेट कर सकते हैं ताकि डाउनलोड खत्म होने के बाद आपका कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे ऑटो शट डाउन का समय सेट कर सकते हैं। तो ये जानने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पर कंप्यूटर और मोबाइल से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स के कई नई नई वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो इस चैनल पर जितने वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में ऑटो शट डाउन का समय सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऑटो शटडाउन का समय सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के नोटपैड में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है शटडाउन shutdown स्पेस डैश s फिर स्पेस उसके बाद डैश t। तो यहाँ पे फिर स्पेस देना है और यहाँ पे आपको जो समय है वो सेकेंड में लिखना है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को एक घंटे बाद बंद करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है एक घंटा बाद बंद हो जाए, तो यहाँ पे आपको जो टाइम जो लिखना है वो सेकेंड में लिखना है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर एक घंटे बाद बंद हो तो आप यहाँ पर जो है उस टाइम को सेकेंड में लिखेंगे। यहाँ पर एक घंटे के लिए आपको यहाँ पर जो लिखना है 3600 लिखना है, जिसके बाद आपका कंप्यूटर जो है ताकि आपका कंप्यूटर जो है एक घंटे बाद ऑटो शट डाउन हो। तो आप जो है अगर आपको फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसका डाउनलोड होने का समय 45 मिनट 50 मिनट या एक घंटे के अंदर हो तो आप जो है एक घंटा का टाइम सेट कर सकते हैं ताकि डाउनलोड होने के एक घंटे डाउनलोड शुरू होने के एक घंटे बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो अब हम जो है इस फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या आप जो है यहाँ से फाइल ऑप्शन पे जाके सेव पे क्लिक करके भी अपनी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक फाइल का नाम देना है, तो हम यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं। आप कोई भी, तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ टेक्निकल TECHNICAL WIDE। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक डॉट देना है और उसको आप इस फाइल का आपको एक्सटेंशन देना है जो कि होगा BAT। तो आपको जो है फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्निकल वाइड दिया है, लेकिन इसके बाद आपको जो फाइल का एक्सटेंशन देना है वो .bat में ही देना है और उसके बाद को इस फाइल को कहीं भी सेव करना है। तो मैं यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूँ और इसे हम बंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो हम जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे हमारा समय स्टार्ट हो जाएगा और इसके पूरे एक घंटे बाद हमारा कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाएगा। तो आप जो है आप टेस्ट करने के लिए यहाँ 5 मिनट का भी समय सेट कर सकते हैं ताकि आप टेस्ट कर सकें कि ये काम करता है कि नहीं। तो 5 मिनट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे shutdown स्पेस स्लैश एस स्पेस स्लैश टी और उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए आप यहाँ पर उसे सेकंड में करेंगे तो आप यहाँ पे 300 लिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी फाइल नेम देके इसे सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ और उसके बाद .bat लगाकर इसे सेव करना है और उसके बाद आपको इसे डबल क्लिक करके रन करना है। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे या इसके 5 मिनट बाद आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।